नमस्कार दोस्तों, जोहार आप सबों को। आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि हम सबों ने इससे पहले वाले क्लास में देखा था, इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम लोग क्या चीज किए थे, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे लिखते हैं। चूंकि वो हम लोग का जो वीडियो था वो फंडामेंटल का पार्ट वन था, और आज हम सभी देखेंगे फंडामेंटल का पार्ट टू। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों को बता देता हूँ कि जो हमारा जो सेंटर है प्रयास कंप्यूटर एजुकेशन कैरो, उसमें माँ सरस्वती पूजा जो है बहुत अच्छे तरह से मनाई गई। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबों ने भी जो पूजा जो थी उसको बहुत अच्छे तरह से आप लोगों ने भी मनाया था। और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो है हमारे सेंटर में आए और प्रसाद ग्रहण किए। और जो लोग नहीं आ पाए तो उम्मीद करते हैं कि अगले बार आप सभी जरूर आएंगे। इसी आशा के साथ अब हम सभी चलते हैं कंप्यूटर की ओर। चूंकि मान लीजिए जो हम लोग का जो उत्सव था वो अब लगभग अभी फिलहाल के लिए समाप्त हो चुका है, अब हम लोग को पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सभी देखते हैं बेसिक फंडामेंटल का पार्ट टू। और आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो आप सभी इसको नोट करेंगे, मैं आपको इसको लिखा देता हूँ बोर्ड में, ताकि आप सबों को लिखने के लिए किस तरह का कोई समस्या नहीं होगा। और आशा करता हूँ कि आप सभी जो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर जो आपको बताए थे हिंदी और अंग्रेजी में, तो दोनों को बढ़िया से आप लोग याद कर लिए होंगे। क्योंकि आपको तो एकदम बिल्कुल अपने भाषा में जो देहाती भाषा जो यूज आप लोग करते हैं बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको मैंने लिखा दिया था। तो आज हम सभी देखते हैं फिर से शुद्ध और सरल भाषा में कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। बाबू देखिए ऐसा करना है कि शुद्ध और सरल भाषा के साथ साथ हम लोग को पढ़ाई को एकदम कंप्लीट कर लेना है। आप सब लोग को पढ़ाई को सीरियस नहीं लेना है, उसको मौज मस्ती के साथ पढ़िए, आपका सारा का सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कराने का जिम्मेदारी मेरा है। तो आइए आज हम सभी देखते हैं इनपुट डिवाइस। देखिए सबसे पहले मैं आपको इनपुट डिवाइस लिखाता हूँ ना, आप सब इसको क्या चीज करें इसको नोट करते हुए चलिएगा। क्योंकि फंडामेंटल का मैंने आपको एक कॉपी भी बनाने के लिए बोला था जिसमें डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर आप लोगों ने नोट किया था। आज आप सभी उतारे इनपुट डिवाइस। जैसे देखिए हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं ना इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के एक बार बताता हूं। इनपुट डिवाइस जो होता है जिसके माध्यम से हम सभी क्या चीज करते हैं आंकड़ों या फिर निर्देशों को कंप्यूटर के मेमोरी यानी सीपीयू तक हम लोग क्या चीज करते हैं उसको पहुंचाते हैं। तो उसको लिखेंगे कैसे, इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। क्या है, इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर मेमोरी देखिए सिंपल सा और दो लाइन का डेफिनेशन है ना, इसको आपको ना पढ़ने में समस्या होगा ना ही नोट करने में ना ही याद करने में। देखिए इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, मतलब इनपुट डिवाइस का प्रयोग जो होता है निर्देशों और आंकड़ों को कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचाने में किया जाता है। तो आपको तो इसको समझने में किस तरह का कोई समस्या नहीं है ना। जैसे डाटा का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कीबोर्ड के माध्यम से जैसे कुछ लिखते हैं तो आपका डाटा हो गया ना। सबसे पहले क्या चीज होता है, चूंकि देखिए जिस तरह से मान लीजिए अगर इंसान को अगर किसी चीज को समझना पड़ता है तो बात को पहले क्या चीज करना पड़ता है, इंसान के मेमोरी तक पहुंचाना पड़ता है, तब जाके इंसान उसको समझता है। और जिसका दिमाग बढ़िया से नहीं चलेगा पागल जैसा होता है। लेकिन मान लीजिए क्या चीज होता है, जिसका दिमाग अगर अच्छे तरह से चलता है तो सबसे जो मनुष्य जो होते हैं उसका मुख्य जो भाग होता है क्या चीज होता है, मेमोरी। क्योंकि आदमी का अगर मेमोरी अगर सही रहेगा तो सही जितने भी काम होंगे उसको सही तरह से कर पाएगा। उसी तरह से जो कंप्यूटर जो होता है उसका क्या चीज होता है, दिमाग सीपीयू को बोला जाता है। तो जैसे देखिए यहां पे क्या चीज करते हैं, पहले एक बार फिर से एक बार देखें, इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, मतलब इनपुट डिवाइस का जो प्रयोग होता है निर्देशों और आंकड़ों को कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचाया जाता है। और जब कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर के मेमोरी तक जब उसके पास जब पहुंचता है तो उसको समझता है, प्रोसेस करता है, तब जाके कैची करता है, आउटपुट के रूप में कैची करता है, उपयोगकर्ता को रिजल्ट देता है। ये तो मैं आपको पहले भी बता दिया हूं। लेकिन इनपुट डिवाइस हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से यानी जिस उपकरण के माध्यम से निर्देशों और आंकड़ों को कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे देखिए चूंकि आप सोच रहे होंगे ना, ये तो चलिए हम लोग को परिभाषा पता चल गया कि वैसे डिवाइस जिसके माध्यम से क्या चीज करते हैं निर्देशों और आंकड़ों को कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचाते हैं, वो हो गया इनपुट डिवाइस। लेकिन इनपुट डिवाइस क्या क्या होंगे, तो आइए हम सभी देखते हैं सम इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। जैसे देखिए यहां पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, सम इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस।
कुछ एग्जांपल मैं आप सबको लिखा देता हूँ, बाकी आप सभी जहां पर भी अगर इस तरह का उपकरण अगर देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि कौन सा डिवाइस जो है इनपुट डिवाइस का एग्जांपल हो सकता है। जैसे देखिए पहला तो हम लोग का क्या आएगा, सबसे पहले तो आपको बताया था कीबोर्ड भी क्या चीज होता है, एक आपका होगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से कुछ हम लोग डाटा टाइप करते हैं ना और वो डाटा को कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्या हो जाएगा कीबोर्ड, KEYBOARD। उसके बाद दूसरा आपका क्या चीज हो जाएगा, माउस भी हो जाएगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि माउस क्या चीज होता है, माउस के माध्यम से हम लोग क्या चीज करते हैं, कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, कहीं पे जैसे क्लिक करना पड़ता है, किसी चीज को निकालना है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बाबू इसको निकालना है, तो क्या होता है जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो हम लोग का ओपन हो जाता है। तो माउस भी हम लोग का कौन सा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस। इसके बाद और बात करते हैं इनपुट डिवाइस का, तो आपका क्या आएगा जॉयस्टिक, एक जॉयस्टिक एक उपकरण है। तो जॉयस्टिक आप लोग समझते हो, मैंने देखते हैं ना जैसे छोटा छोटा लुलुलू बच्चा लोग जो रहता है वो लोग क्या चीज करता है ना, गेम वेम खेलते हुए देखे कभी सूझ जाएगा, उसके बाद क्या चीज करेगा वीडियो को चलाते रहेगा एलईडी में ना, बड़ा बड़ा आजकल चुके एलईडी आता है, उस एलईडी में क्या चीज करेगा लोग, उसको जो है ना गेमिंग एक उपकरण होता है ना, जिसके माध्यम से कभी गाड़ी को अगर लेफ्ट अगर लेके जाना है तो लेफ्ट वाला बटन दबाएगा, राइट अगर ले जाना है तो राइट वाला बटन दबाता है, और मजा आ रहा है उसको छीन लीजिएगा, रो रो के जो है ना बुरा हाल कर देगा। देखिए यहाँ पे करते क्या है, जिसे इंस्ट्रक्शन, चूंकि जो जॉयस्टिक होता है जिसके माध्यम से लेफ्ट की ओर अगर जाना होगा तो हम लोग क्या चीज करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं ना, और अगर राइट को अगर जाना होगा तो राइट वाला बटन प्रेस करते हैं ना, तो उसके माध्यम से भी क्या चीज होता है इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो जॉयस्टिक जो होता है आपका क्या चीज होता है, एक गेमिंग उपकरण होता है। तो इसके माध्यम से भी क्या चीज करते हैं डाटा को, यानी जो भी निर्देश रहता है इसको हम लोग देते हैं कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचाते हैं। तो ये भी हम लोग का जॉयस्टिक भी क्या चीज हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद और एग्जांपल आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है, एक तो आपको बता दिए कीबोर्ड, एक आपको बता दिए माउस, एक बता दिए जॉयस्टिक, और आप लोगों ने देखा होगा स्कैनर, जब आप स्टूडियो में जाइएगा तो सबसे पहले आपका फोटो को क्या करता है, खींचता है ना कैमरा से, और अच्छा चलिए एक कैमरा भी यहाँ पे बात आ गया ना, तो कैमरा भी क्या होगा आपका इनपुट डिवाइस ही होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या चीज बता रहे थे, स्कैनर ना, तो स्कैनर जो होगा, चूंकि जब अगर स्कैन करके हम लोग क्या चीज करते हैं ना, जैसे कोई अगर फोटो को हम लोग को क्या चीज करना पड़ता है, स्कैन करके कंप्यूटर में अगर दिखाना पड़ता है मॉनिटर में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फोटो को पहले एक स्कैनर मशीन आता है जिसको इस तरह से ऐसे करके उठाते हैं ना, उसके अंदर फोटो को डालते हैं, उसको बंद करते हैं, देखिएगा कुछ देर में आपका मॉनिटर में आपका फोटो दिखना शुरू हो जाता है। तो क्या चीज होता है, स्कैन होकर सबसे पहले कंप्यूटर के मेमोरी तक जाता है और उसको फिर आउटपुट के रूप में क्या चीज होता है मॉनिटर में आपको दिखता है। स्कैनर कैसा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं SCANN, यहाँ पे लिखेंगे SCANN स्कैनर। तो स्कैनर भी आपका कैसा डिवाइस हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। इसी तरह से आपका क्या होगा डिजिटल कैमरा जो स्टूडियो वगैरह में यूज होता है, एक होता है वेब कैमरा ना, जो देखिएगा लगा दीजिएगा ना, इधर उधर घूमते रहता है ना रोड में, लगा कर दिया जाएगा, वो क्या करता है इधर 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 इधर, वो आपका क्या चीज होता है होते रहता है, मतलब क्या चीज करता है एक बड़े क्षेत्र को जो है ना कैप्चर करके अपने अंदर रखे हुए रहता है, और बाद में उसको क्या चीज करते हैं हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचाते हैं, और वो क्या चीज होता है मॉनिटर में फिर दिखने लगता है, यानी जो बाहर का चीजों को अंदर ग्रहण कर ले रहा है वो क्या चीज कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। तो आपका डिजिटल कैमरा या फिर वेब कैमरा का हम लोग बात करेंगे तो दोनों कैमरे जो होते हैं ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो इसी तरह से आपको जितने भी और भी कहीं कहीं पे कुछ कुछ उपकरण मिलेंगे जिसको जब देखने के बाद अब आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ये इनपुट डिवाइस है या फिर तो आउटपुट डिवाइस है। तो आज के लिए हम सभी इतना ही करेंगे दोस्तों, आज मैं आपको बता दिया हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस के जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद के वीडियो में हम सभी देखेंगे कि किस तरह से आउटपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। तो चलिए ये तो था इंग्लिश में मैं आपको लिखा दिया हूँ, इसको आप सभी नोट कर लें, इसको देख लीजिएगा, अगर नोट करने में अगर कहीं पे कोई अगर समस्या होगा तो आप लोग एक काम करेंगे, क्योंकि वीडियो तो चलते रहेगा बाबू, आप लोग इसको क्या चीज करें पास कर ले वीडियो को, और पास करने के बाद इसको एक बार नोट्स कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम सभी देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये तो हम लोग का इंग्लिश में मैं आप सबको परिभाषा लिखा दिया हूँ इनपुट डिवाइस का, अब हम सभी देखते हैं इसको हिंदी में कैसा इसका परिभाषा होगा, क्योंकि इंग्लिश में कैसा है, इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। तो इसी को हम लोग क्या चीज करेंगे, अब हम लोग इसको हिंदी में लिखते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में लिखने के लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, सबसे पहले इसको तो मिटाना पड़ेगा, हम लोग इसको पहले मिटाते हैं। आइए हम सभी देखते हैं कि किस तरह से इनपुट डिवाइस का जो डेफिनेशन जो हम लोग लिखे हैं उसको हिंदी में कैसे उसको हम लोग परिभाषित करेंगे, क्योंकि ऐसा है ना बाबू, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको थोड़ी सी पढ़ने में भी समस्या होगा, लेकिन हमारे चैनल में आपको पढ़ने के लिए किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको अगर अंग्रेजी में अगर मान लीजिए अगर दिक्कत अगर होती है तो आप हिंदी में उसको बढ़िया से डिफाइन कर लीजिए, ठीक है ना। अगर कोई कम से कम अगर पूछेगा तो आप उसको कैची करेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए हम उसको इंग्लिश में ही रट करके रखें ना, लेकिन इसको सेल्फ डिफेंस के लिए आप कोशिश करें कि याद करके रखें, याद करके रखिएगा तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगा। आइए हम सभी देखते हैं हिंदी में इनपुट डिवाइस को,
इनपुट डिवाइस, तो हम लोग इसको लिखते क्या है, इनपुट डिवाइस ये हो गया ना। अब हम लोग इसको क्या कैसे लिखेंगे, इनपुट डिवाइस या फिर हिंदी में लिखते हैं ना, देखिए इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एक ऐसा उपकरण है, इनपुट डिवाइस एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से देखिए आप लोग जो है इसको बढ़िया से थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिखिएगा, इनपुट डिवाइस एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से निर्देशों एवं आंकड़ों को क्या चीज करते हैं हम लोग, चूंकि आपको इंग्लिश में भी मैं आपको बता दिया हूं, निर्देशों एवं आंकड़ों को कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचाते हैं। देखिए यहां पे क्या है, इनपुट डिवाइस एक, यहां पर ऐसा छूटा हुआ ना, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए इनपुट डिवाइस एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से निर्देशों एवं आंकड़ों को कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचाते हैं। चलिए ये हो गया, अब तो कोई समस्या नहीं होगा आप लोगों को समझने के लिए ना, इसका उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया था ना, उदाहरण जैसे इसमें क्या क्या होगा, जैसे आपको उदाहरण अभी मैंने आपको बता दिया था, कीबोर्ड, इसको हम लोग क्या चीज लिखते हैं, कीबोर्ड, और क्या चीज हम लोग लिखे थे, माउस, उसके बाद तीसरा हम लोग क्या चीज लिखे थे, जॉयस्टिक, ये हो गया जॉयस्टिक, और जॉयस्टिक के बाद एक और हम लोग क्या चीज लिखे थे, स्कैनर, ये हो गया स्कैनर। तो ये हम लोग का क्या चीज हो गया, जिस तरह से मैंने आपको इंग्लिश में परिभाषा लिखाया उसी तरह से मैं आपको हिंदी में भी लिखा दिया हूं कि इनपुट डिवाइस एक ऐसा उपकरण होता है जिसके माध्यम से निर्देशों एवं आंकड़ों को कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचाते हैं, और उसका उदाहरण क्या क्या है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिटल या वेब कैमरा इत्यादि, जितने भी आपका जो इस तरह के जो उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से निर्देश और आंकड़ों को हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचाएंगे, वे सभी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, इनपुट डिवाइस बोलेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, आज के लिए बस हम सभी इतना ही करते हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग फंडामेंटल का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें मैं आप सबों को बताऊंगा कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस के क्या क्या एग्जाम्पल है। तो आप सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर मान लीजिए कहीं पर कोई समस्या अगर नजर आती है तो आप सभी क्या चीज करें, कॉमेंट के माध्यम से हमको बोले कि सर हम लोगों को ये चीज बताया जाए या फिर यहाँ पे हम लोगों को परेशानी हो रही है, मैं आप सबको कोशिश करूंगा कि उस जो समस्या है उस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, जय हिंद।